सब जितने मीडिया वाले आए हैं उनको थैंकफुल बोलता हूँ, और बप्पा जी विराजमान है यहाँ पे, वो आए हैं हमारे यहाँ, इको फ्रेंडली गणपति हैं और 25 फीट के गणपति हैं। सबको पहले बोलो गणपति बप्पा मौर्या। अब मैं आपको अपने छोटे से एक कहता हूँ, मेरे शब्द बहुत छोटे हैं क्योंकि वो इतने बड़े हैं और मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। मैं उनकी पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, बट पता नहीं क्यों पिछले साल हम लोगों ने, क्योंकि कोविड की वजह से सबको पता था कि आने वाले समय में बप्पा का कोई अरेंजमेंट नहीं था कि उनको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। पिछले साल जब कोविड हुआ तो सब लोगों ने एक स्मॉल बप्पा की मूर्ति स्थापित की, बहुत छोटे उसमें, कि चलिए बप्पा का आगमन है, उनको बुलाना है सभी लोगों ने। अब जब कोविड ख़त्म हुआ तो सब लोगों को ये पता चला कि आने वाले समय में जो प्लास्टर के इको फ्रेंडली वो गणपति बनते हैं वो जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट उस पर एक अध्यादेश ला रही है, उसको यानी एक ऑर्डर पास कर रही है जिससे कि आने वाले समय में प्लास्टर का गणपति बप्पा आगे लोग नहीं रख पाएंगे। अब मेरे एक फ्रेंड हैं शंकर दरवेश करके, वो मेरे पास आए ऐसे ही डिस्कस करने लगे मुझसे, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरुण जी हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों में एक अलग यूनिक चीज़ जाए। तो मैंने कहा आप ट्राई करिए, अगर कुछ होता है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो उन्होंने एक पूना से जो जिन्होंने बप्पा को बनाया है, जिनकी मेहनत है, जिनका सब कुछ है, उनको मेरे पास वो लेके आए। उन्होंने मुझसे बोला, उनसे मुझे मिलवाया, तो वो कहने लगे कि मैं इको फ्रेंडली गणपति बनाता हूँ और मैं आप जितने चाहेंगे उतने बड़े गणपति बप्पा बना देंगे। तो मैंने उनको बोला इको फ्रेंडली तो बहुत छोटे गणपति बनते हैं, और हमारी इच्छा है कि हम तो बप्पा को विशाल रूप में देखना चाहते हैं, हमारी दिली इच्छा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप बताइए, हम वैसे ही बना सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया, उस समय हमारे पास टाइम बहुत कम था, एक मंथ हमें बचा हुआ था, तो हमने उनसे डिस्कस किया, फाइनल हुआ। उन्होंने वो आए, उन्होंने 24 फीट के गणपति 26 दिन में पिछले साल बनाए, जो मुझे भी देख के, मुझे क्या गवर्नर साहब कोश्यारी साहब इज़ कमिंग, उनके हाथ से ही हमने इनका पर्दा ओपन करवाया था, तो उन्होंने देखा तो उनको भी ये लगा यार इतने बड़े गणपति। उन्होंने मुझे बोला कि अरुण ये वाकई में इको फ्रेंडली गणपति है। मैं कहा सर आपके सामने है जो चीज़ लगी है वो आपके सामने है, हमने इनको यहीं पर बनाया है और जब ही ये विराजमान हुए और यहीं पर हम इनका विसर्जन करेंगे। तो उनके बाद फिर और बहुत सारे मंत्री नेतागण यहाँ पे आए, काफ़ी सेलिब्रिटी आए, उन सब ने भी देखा, सबको बड़ा अचंभा हुआ। तो ये हुआ कि फर्स्ट बार इतने बड़े गणपति बने, हमारे जो बूमरैंग के लोग थे, हमारी सोसाइटी के जो लोग थे, उन सब ने मिल के इनको बनाने के लिए हमें सपोर्ट किया, तो ये बने। अब हमने पिछले साल ही एक प्लानिंग कर ली थी कि हमने इस बार इनसे बड़े बनाने। अब इस साल भी हमने पिछले साल से ही हमने पूरा प्लानिंग कर लिया था, इस बार भी हमने एक महीने पहले इनको बनाना शुरू किया और एक महीने में उस इंसान ने इनको 24 से 25 फीट बनाया। पिछले साल हमने 24 फीट के गणपति बनाए थे और इस बार हमने 25 फीट के गणपति बनाए, जो वर्ल्ड में अभी तक का हमारा रिकॉर्ड है। हमारा नहीं, ये बप्पा का रिकॉर्ड है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये कर सकते हैं, और 25 फीट के इको फ्रेंडली गणपति उन्होंने बनाए और यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी आके उसको वेरीफाई, उसने सब जगह वेरीफाई किया और उसके बाद उसने अपने ही कैलकुलेशन से वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े बप्पा का हमें अवार्ड दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है, जिस दिन हमने इनका पर्दा ये किया, वो बाकायदा राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं जानेश्वर महाराज, वो यहाँ पर आए और उस दिन राम का दिन था, बप्पा का सेम राम का रूप था और वो आके उन्होंने ये किया। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। आप सब मीडिया वाले जानते हैं कि हम लोग एक छोटे से निमित मारते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, ये तो इच्छा उनकी थी तो ही हम बना पाए।
और हमारे साथ वो मूर्तिकार, मैं उसको बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसका रिगार्ड करता हूँ कि उसने बाकायदा साक्षात भगवान को यहाँ पे लाके बिठा दिया। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये बिल्डिंग अपने आप में सबसे बेस्ट बिल्डिंग है और रसिस कनकिया ने इस बिल्डिंग को बनाया है। कनकिया रसिस जी भाई ने मुझे इसमें सपोर्ट भी किया है और यहाँ के लोकल जितने भी हमारे ऑफिसेज यहाँ पे हैं उन लोगों ने भी हमें मदद की है। मुझे बॉम्बे में जब मैं इनको बनाने के लिए हम प्लानिंग कर रहे थे तो हमारी सपोर्टिंग में हमें कोई ऐसा नहीं था कि हमें बाहर का कोई सपोर्टिंग आया है। मुझे नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने सिर्फ ये सोच के इनको बनाया है कि हम भगवान का नाम लेने जा रहे हैं और बप्पा को हमें यहाँ पे स्थापित करना है। बॉम्बे के लोगों ने, अब आपके मीडिया के माध्यम से आप तो सब दुनिया में देखे जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज मैं अगर आप लोगों से बात कर रहा हूँ, पहले पिछली बार भी जब मैंने बात की थी तो मुझे उम्मीद है कि लोगों तक ये बात जाएगी। जैसे मैं एक वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ कि घर घर मोदी, ऐसे घर घर इको फ्रेंडली, अगर ये चीज़ हम आने वाली जनरेशन को देना चाहते हैं। देखिए मेरा बेटा है, इज एजुकेटेड, ऑल पर्सन इज एजुकेटेड है, उनके बच्चे उनसे ज़्यादा एजुकेटेड है, पर क्या है कि इन बच्चों को हम कहते तो हैं कि हम आपको पर्यावरण से ये करेंगे, मोदी जी इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं, पर हम लोग अभी तक भी उस चीज़ को सोच रहे हैं। जो हालात आज उत्तराखंड में देखिए, हिमाचल में देखिए, वर्ल्ड के किसी भी कोने में देखिए, वो प्रॉब्लम इसी वजह से है क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो फिर पूरे वर्ल्ड के लोग क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये चीज़ बनाई है और मेरी सोच यही है। अभी आने वाले समय में 28 तारीख को खान साहब इज़ कमिंग गवर्नर ऑफ केरला, उनका कन्फर्मेशन हमारे पास आ गया है, उनके हाथ से हम यहीं पे उनका विसर्जन कराएंगे। और ये सारे मीडिया को मैं अभी बोल रहा हूँ कि वो आने वाले हैं, आप समझिए कि वो उनको वो इतने प्रभावित हुए, इतने ये हुए कि उन्होंने इतने उनकी ये लगी कि उन्होंने बोला नहीं मैं आता हूँ और मैं आके खुद अपने हाथ से विसर्जन। तो आप सोचिए कि देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, सब लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, कोई जात पात धर्म वेद कुछ नहीं रह गया। जब वो चल के यहाँ केरला से यहाँ पे आ सकते हैं तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि जितने लोग मुंबई में हैं वो आके देखें, मंडल जितने मंडल हैं उनको मैं बोलता हूँ कि वो आके देखें कि हमने वो चीज़ बनाई है। तो जब हम बना सकते हैं तो सारे मंडल क्यों नहीं बना सकते, पूरा वर्ल्ड क्यों नहीं बना सकता। और एक पहल से सारी दुनिया में वो चीज़ जाएगी कि या जब हम इको फ्रेंडली बना सकते हैं, हम पर्यावरण के बारे में सोच सकते हैं, तो दूसरे लोग भी सोच सकते हैं। तो मेरी यही एक गुजारिश है आप लोगों के माध्यम से कि जितने लोग देखेंगे या जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं आपके माध्यम से कि वो आएँ और देखें कि वाकई में हमने इको फ्रेंडली गणपति इतने बड़े बनाए हैं जो वर्ल्ड में हमारा नाम गया। The only thing I would say, गणपति बापा मोरया, and I'm happy that आप सब आए हैं और I hope आपको अच्छा लगा हो देख के पापा, and I hope that he gives you his blessings to you all, and बस सब पापा ने बोल दिया वही बहुत है, वो उनकी बातें आगे, हम पीछे पीछे चल रहे हैं and आगे चलते रहेंगे, like we'll keep on making पापा the eco friendly. जी अभी देखिए, हम जब तक ये ऊपर तक टच नहीं होंगे हम इनको यहीं तक ये करेंगे, फिर आगे देखते हैं पप्पा की जैसी इच्छा होगी। हमने हर साल रखना है, जब तक मैं कहता हूँ कि दुनिया में एक सिस्टम बनता है, आज इतने बड़े बड़े मंडल बने, क्या पता कल को और चीज़ें होती रहें। मैं नहीं करूँगा तो यहाँ के लोग करेंगे, मेरी तो दिली इच्छा है कि जब तक मैं रहूँ पप्पा को और बड़ा बनाता चला जाऊँ, जिससे कि आने वाले समय में लोगों के दिमाग में ये रहे और वो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली गणपति बनाए और घर घर अपने लेके जाएं।
देखिए लोगों ने मुहिम, बहुत सारे लोगों ने मुहिम शुरू की थी, पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो लोग नहीं बोलते हैं। आई इनवाइटेड कुछ लोगों को मैंने इनवाइट किया था, उनसे रिक्वेस्ट भी की, पर उन्होंने मुझे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो लोग पर्यावरण के लिए बात करते हैं, मैं उन सब से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग बाद में जाके रोड पे सफाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर आप अगर इस चीज़ को एक माध्यम बना के, क्योंकि बप्पा चाहते हैं मेरे मुंह से ये कहलवाना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑल इंडस्ट्री के लोगों से, किसी भी इंडस्ट्री के लोगों, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपनी तरफ से इसमें एक सपोर्टिंग लेके ये बोलें, तो डेफिनेट है कि जितने भी बप्पा हमारे देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं भी आते हैं, अगर वो इको फ्रेंडली बने तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि आने जो चीज़ बनने के बाद उसका इस्तेमाल भी होता है, हम लोग उसको उस पूरी रो को हम खेतों में ये भी देते हैं, उसमें हमें कोई, और उसकी उपज भी अच्छी होती है, ये रियली फैक्ट है। आप लोग कोई भी है, और मैं कहता हूँ कि हम इनका एक छोटा सा विभाग अपने पास रखते हैं तो हमें दिली खुशी होती है। और मैं ये चैलेंज करता हूँ, ये आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जो लोग सच्चे दिल से, लोग बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ सच्चे दिल से, जो यहाँ से मांग के जाएगा उसको 100% मिलने वाला है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। वो साथ साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो विराजमान है, और उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे, ये मेरी एक पर्सनल अपनी थिंकिंग है कि होना चाहिए, ये 100% होना चाहिए कि आज का जो समय है वो ऐसा है कि हम अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, पर बात करते हैं हम, एक देखिए ये हमारे देश में एक है, एक आदमी आगे बढ़ेगा तो सब लोग उसके पीछे चलते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर मैं चलाऊं तो सब लोग मेरे साथ चलें। थैंक यू मौर्या। जब पता लगा था कि भी इको फ्रेंडली है और टॉलेस्ट है, तो मैंने जो सबसे पहले बचपन में टॉल गणपति देखी थी वो वी शांताराम, जो लेट राजकमल स्टूडियो वाले थे, वो लेके आते थे, हम स्कूल में थे तो हम रोड पे खड़े रहते थे कि यहाँ से जाएगी, तो 1 बजे चलती थी और कुछ 4-5 बजे पहुँचती थी बॉम्बे सेंट्रल से। तो उसके बाद मुझे जो याद आई उनकी, यार ऐसी गणपति सिर्फ वो लेके आते थे ट्रक के ऊपर, और जब ले जाते थे विसर्जन को तो पूरी रात निकल जाती थी, पहुँचते पहुँचते चौपाटी सुबह हो जाती थी। तो सीधा चाइल्डहुड मेमोरी में गया मैं कि भाई एक तो इको फ्रेंडली और ऊपर से टॉलेस्ट, अभी ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड में, एंड देन बाबा का आशीर्वाद, बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। और आज मेरे पास एक वीडियो आई है, उसमें अमेरिका, युगांडा, ताइवान, स्पेन, USA सब जगह अपना गणपति बापा के साथ लोग नाच रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, मतलब ये तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट फेस्टिवल हो जाएगा जिस हिसाब से। आई वॉज शॉक्ड कि बार बार मैं देख रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ का, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया है बापा के फॉलोअर। आई थिंक बापा जो है वो सारे गॉड के स्टार है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो बप्पा के दर्शन करने आए, और मैं उनसे यही कहूँगा कि ये बप्पा ऐसे हैं कि आप जो दिल से मांगोगे वो आपको मिलेगा, और रियली मैं उनका थैंकफुल करता हूँ कि वो स्पेशल हमारे यहाँ। यार बापा ने ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, आप तो एक ही चीज़ मांगते सुबह उठ के कि तंदुरुस्ती रहे बस, बाकी तो सब कुछ दिया हुआ है यार। जी वो भी मिलेगा, आप सुबह उठ के बोले यार हाँ उठ सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, तो ये बापा की मेहरबानी रहे, और क्या चाहिए। नमस्कार, मैं सप्तऋषि घोष। सबसे पहले तो मैं अरुण जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, हमें बुलाया। ये जो एक ये प्रतिमा जो है, ये ऑलरेडी जैसा कि आप सब जानते हैं बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, 25 फीट ऊंची ये प्रतिमा है, और मैंने ऑनेस्टली अपनी लाइफ में इतना बड़ा गणपति कभी नहीं देखा, तो मेरे लिए एक बहुत ही रोमांचक स्थल है, और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है इस बात से कि मैं आ पाया यहाँ पे, आप सब लोगों से मिल पाया और पापा के दर्शन हुए, और एंड वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू अरुण जी फॉर हैविंग मी हियर। ओवर टू यू। नमस्ते, मेरा नाम है तस्नीम, और मैं बहुत आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग हियर, एंड थैंक्स अ लॉट अरुण शर्मा जी को कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया, और बहुत सुना था तो देख लिया, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी हियर, और पापा के दर्शन हो गए, एंड इससे क्या बड़ी बात है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये
यहाँ पे बनाया है, उन्होंने कंप्लीट किया, कितने साल की जॉब? मेरा जब बहुत जिस दिन हम लोग सजेस्ट करते हैं तो मुझे मन से ये हो रहा था कि यहाँ ये यहाँ से क्यों जाए, क्यों जाए, पर वो साक्षात यहाँ पे रहे। देखिए उनका ओरा ही इतना बड़ा है कि अगर वो हमें अभी दिख रहे हैं जब ये विसर्जन हो जाएगा तो भी वो वहाँ पर विराजमान होते हैं। और हम दिल से, मैं जब भी आता हूँ तो मैं नज़र पहले फर्स्ट वहीं पर डालता हूँ और मुझे होता है कि वो बैठे तो जी। और मेरे मेरी भी तमन्ना है कि मैं उनको हमेशा यहाँ पे रखूँ, पर ये विधि का विधान है कि वो हमारे बीच आके और वो बोलते हैं चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि गणपति बापा सेंटर भाई काफी